हेलो दोस्तों, मैं सोनिका। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्यार करने वाली लड़की ये काम ज़रूर करेगी। तो आज की वीडियो इससे रिलेटेड है और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी लड़की के बारे में आसानी से समझ सकते हो कि वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं। क्योंकि दोस्तों, लड़कों की बात करें तो लड़कों के नेचर में क्या होता है कि मोस्टली लड़के जब किसी से प्यार करते हैं तो वो अपनी फीलिंग्स आसानी से उस लड़की को एक्सप्लेन कर देते हैं, बट लड़के ऐसा नहीं कर पाते हैं। पर अगर कोई लड़की आप में इंटरेस्टेड है या आपको पसंद करने लगी है तो वो कुछ ऐसे काम ज़रूर करती है जिसे नोटिस करके आप आसानी से उसकी फीलिंग्स का, उसकी पसंद का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा लीजिए जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम है कि अगर कोई लड़की आप में इंटरेस्टेड है ना, तो वो आपकी कमी का उसे बहुत ज़्यादा एहसास होगा, आपकी कमी को बहुत ज़्यादा फील करेगी। जैसे कि जब आप उसे नहीं मिलोगे तो वो जो है उसकी लाइफ में एक अधूरापन रहेगा, वो आपसे मिलने के लिए बेचैन रहेगी। ठीक है, तो ये साइन अगर आपको लड़की की तरफ से मिलते हैं तो आप समझ सकते हो कि वो आप में इंटरेस्टेड है। अब आप बोलोगे ये चीज़ पता कैसे करें कि उसे आपकी कमी का एहसास होता है या वो आपकी कमी को फील करती है। इसके लिए आप ये देखो कि जब आप उस लड़की से नहीं मिलते हो या उससे बात नहीं करते हो, उसे कॉल नहीं करते हो, ठीक है, या टेक्स्ट या मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो, तो उस टाइम पे अगर वो लड़की आपको बहुत ज़्यादा सवाल करे जब आप उससे मिलो, तो आपसे सवाल करे कि कहाँ रह गए थे, कल क्यों नहीं आए, ठीक है, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करा, कॉल बैक क्यों नहीं करा, इस तरीके के सवाल अगर वो आपसे करती है तो इसका मतलब है कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि अननोन लड़की या जिसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप हो या ना हो, आप आओ या ना आओ, मैसेज का रिप्लाई करो या ना करो, बट अगर वो इंटरेस्टेड है तो ये काम ज़रूर करेगी। इसके अलावा नेक्स्ट शो है कि अगर कोई लड़की आपको पसंद करने लगी है तो उसे आपकी नाराज़गी का बहुत ज़्यादा एहसास होगा, आपकी नाराज़गी उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। जैसे कि अगर आप किसी भी वजह से नाराज़ हो या उससे बात नहीं कर रहे हो तो वो आपको मनाने की कोशिश करेगी, ठीक है, आपसे पूछेगी क्या बात हो गई है या किस वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, रीज़न जानने की कोशिश करेगी, आपको मनाएगी। लेकिन वहीं अगर लड़की ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है, जैसे कि अगर कोई आपको पसंद नहीं करती है ना, तो उसे आपके नाराज़ होने से, आपके गुस्सा होने से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी नाराज़गी का अगर उसे असर पड़ता है या उसे फ़र्क पड़ता है, ठीक है, इसके जरिए वो आपको मनाती है, तो ये साइन है कि वो लड़की आपको चाहने लगी है। इसके अलावा अगला जो साइन है कि अगर कोई लड़की ये काम करती है, जैसे कि आपके इग्नोर करने के बाद भी अगर वो आपको इग्नोर नहीं कर रही है, ठीक है, आप उसे इग्नोर कर रहे हो लेकिन उसके बावजूद भी आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, आपके साथ रहना चाहती है, आपसे बात करना, आपसे बात करने के बहाने ढूंढती है, तो इसका मतलब है कि वो आपको पसंद करती है। और उस दौरान वो आपके इग्नोर करने के बावजूद भी, मतलब कि अपने ईगो को कभी भी बीच में नहीं लाती है। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है ना कि अगर कोई इंसान किसी को इग्नोर करता है या किसी से बात नहीं करना चाहता तो उसका ईगो आगे आ जाता है कि वो इंसान इग्नोर कर रहा है तो मैं उससे बात क्यों करूं, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर लड़की अपने ईगो को कभी भी बीच में नहीं लाती है या ईगो को साइड में रख के आपसे बात करती है, तो इसका मतलब है कि वो आपको पसंद करने लगी है। इसके अलावा नेक्स्ट साइन है कि अगर कोई लड़की आपको पसंद करती है तो ये काम भी ज़रूर करेगी कि वो आपको हर वक्त नोटिस करेगी। जैसे कि आप किस टाइम पे किससे मिलते हो, कौन से काम करते हो, आप क्या एक्टिविटी आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है, कितनी आपकी फीमेल्स फ्रेंड हैं, कितने लोगों से आप बात करते हो, आपकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में वो नोटिस करेगी, ठीक है, उसको ध्यान रखेगी। तो ये भी, इससे भी आप समझ सकते हो कि लड़की आपको पसंद करने लगी है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।